बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बात कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब आपका शागिर्द। अल्लाह आपको, मोइसा मुफ्ती साहब, हम सबको तरक्की अता फरमाए, आने वाले महीनों में बेहतरीन मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मुफ्ती साहब से पूछना था, ये उम्मी क्या होता है, क्या मैं उम्मी हूँ आपके जरिए से? मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल ये देता हूँ आपको कि मैं जो है ना ख्वाब में देखा कि इससे ढोल बज रहा है और इससे कुछ गाना सा बज रहा है, ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि ओहो, लगता है कोई गुनाह हो गया मुझसे। तो फिर मैंने तय किया कि अस्तगफार की तस्बीह 1000 बार हर रोज मैं करूँगा 11 दिन के लिए, तो 11,000 की तस्बीह, ठीक है। तो 11वें दिन आप ख्वाब में आए और आपने कहा, हारिस कैसे मुतय्यन किया आपने कि 11,000 से माफ़ी होगी आपकी, 27,000 से होगी माफ़ी आपकी और दीन दुनिया आखिरत की खैर सब मिल जाएगी आपको। तो फिर मैं जब उठा तो मैंने 27 माइनस 11 ये 16,000 की मैंने 3 दिन में पूरी कर ली। और ऐसे अशरफ अली थानवी ने भी कहा, किसी अल्लाह वाले से भी दुआ मांग लो क्या कि दीन दुनिया आखिरत वाकई में सब मिल जाए। आप दुआ करते रहिए, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ख्वाब बयान किया हजरत से। माशाल्लाह माशाल्लाह, हारी मजीद, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह, आप खूबसूरत ख्वाब आपने बयान किया है, अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन ताबीर आपको नसीब फरमाए। और ज़ाहिर है कि इसमें बात वाज़ह है कि इस्तिग़फ़ार आपने जो कसरत से पढ़ लिया है और जो भी गुनाह कबीरा हुआ, गलती हुई है, उसका इजाला हो गया है और अल्लाह तबारक व ताला आपको इस्तिग़फ़ार की बरकत और समरात अता फरमाएंगे। बाकी उम्मी, उम्मी का माना होता है कि गोया कि जो ये उम्मी असल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ ख़ास है, आपकी ज़ाते आली को ये वस्फ़ ख़ास दिया गया उम्मी होने का। उम्मी का उम्मी उम से है, उम कहते हैं माँ को, तो माँ के पेट से जैसे इंसान पैदा होता है उम्मी, तो गोया कि उसे कोई किसी दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा। तो इसी तरीके से जो है वो शख्स जो माँ के पेट से पैदा हुआ उम्मी, उसने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा, उसको उम्मी कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ रौनक फरोज हुए, तशरीफ़ लाए और दुनिया में आपने किसी से नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ा, हाँ अल्लाह तबारक व ताला ने बराह रास आपको उलूम आलिया अता फरमा दिए और वो उलूम अव्वलीन आखरीन अता फरमाए जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। तो आपका ये वस्फ़ ख़ास है, इसलिए एक दुरूशीब भी आता है सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी, कि अल्लाह तबारक व ताला सलातो सलाम भेजे किस पर? अला नबी, उस नबी पर जो उम्मी है। लिहाजा नबियों के अंदर भी उम्मी नबी जी आपकी ज़ात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए बस बहुत ज़्यादा पसंद था कि आपको नबी उम्मी कहा जाए। तो उम्मी जो है ये जो है वस्फ़ ख़ास है जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुझे और आपको ये वस्फ़ रखने की इजाज़त नहीं है, ज़ाहिर हम उम्मी नहीं हैं, हमने जो ज़ाहिर दुनिया के अंदर हमारे उस्ताद होते हैं उस उस्ताद के बगैर हम चल नहीं सकते, लिहाजा पढ़ते हैं, लिहाजा हम उम्मी के उस टाइटल के जो है अहल नहीं हो सकते। ओके,